हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू वीडियो जो कि है होंडा की इलेक्ट्रिक कार के बारे में। हाँ जी दोस्तों, भारत में लॉन्च होने वाली होंडा की यह पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देश भर में ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही है। टाटा मोटर से लेकर हुंडई तक भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारें पहले भी लॉन्च कर चुकी है और अब जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा मोटर्स कंपनी भारत में अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक कार तैयार करने में लग गई है जो कि एक हैचबैक होगी। आपको बता दें कि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में यूरोप में होंडा ई को पेश किया है। यह कार सिटी ड्राइविंग के लिए बनाई गई है और होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार बेहद ही कॉम्पैक्ट डिजाइन से लैस होगी और आकार में छोटी होने के बावजूद इस कार में बेस्ट इन क्लास फीचर्स दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यह कार शहरी सड़कों पर परफेक्ट ड्राइविंग कर सकती है। इस कार को चलाना काफ़ी आसान है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर है। संकरे रास्तों में भी यह कार आसानी से निकल सकती है और ख़ास बात यह है कि कंपनी ने इस कार में साइड व्यू मिरर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। साइड व्यू मिरर की जगह इस कार में इंटीरियर डिस्प्ले दिया गया है जो कि कैमरों की मदद से काम करता है और आप पीछे से आने वाली गाड़ियों को इंटीरियर में मौजूद डिस्प्ले में बखूबी देख सकते हैं। और इसके साथ ही कार में एक बड़ी टच स्क्रीन दी जाएगी जो कि डैशबोर्ड के बीच में मौजूद होगी। इस स्क्रीन पर आप तार से जुड़ी हुई जानकारी देख सकते हैं। यह टच स्क्रीन को पैसेंजर की सीट तक होगी जिसे आसानी से पैसेंजर सीट से भी इसे एक्सेस किया जा सके। और आपको बता दें कि होंडा की इस कार में दो ही दरवाजे दिए जाएंगे। अपने छोटे और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इस कार को आसानी से छोटी जगह पर पार्क किया जा सकता है। साथ ही साथ इस कार को भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी आसानी से चलाया जा सकेगा। हालांकि इस कार की रेंज भारत में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक कारों की रेंज से काफ़ी कम होगी। दरअसल जो ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बना रही है उनका यह प्रयास रहता है कि इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा से ज़्यादा रेंज दे, लेकिन होंडा की इलेक्ट्रिक कार की रेंज टेस्ला मॉडल 3 के मुकाबले आधी है जो कि 280 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। और बात करें कीमत की तो होंडा ई की कीमत लगभग 33,000 यूरो है यानी कि भारतीय करेंसी में 29 लाख रुपए। और भारतीय ग्राहकों के हिसाब से कार की ये कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत में लॉन्चिंग के दौरान कंपनी इस कीमत को कम कर सकती है। दरअसल भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद है उनकी कीमत 10 लाख से 23 लाख के बीच है। ऐसे में कीमत कम करना होंडा के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।